नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुरारी चौपाल। आज हमारे पास हमारे साथ हैं रायगढ़ जिला के सचिव, रायगढ़ जनपद पंचायत के सचिव, जो पिछले 40 दिनों से हड़ताल पर हैं। अब इन्होंने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इनकी एकमात्र मांग है कि इनका सरकारीकरण किया जाए। अभी तक ये जिला पंचायत के कर्मचारी हैं। इन लोगों से बात करते हैं कि मांगों को पूरा करवाने में किस तरह की प्रगति हुई या किस तरह के काम इनके द्वारा किए जाते हैं जो इनके हड़ताल के कारण प्रभावित हो रहे हैं, और आम लोगों की कितनी दिक्कतें हो रही हैं। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम लोकनाथ जैना है। ये आप लोगों के जो मांग है वो क्या क्या मांगे हैं? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, वो सिर्फ शासकीयकरण करना। अभी तक हम लोग को 27 साल हो गए नौकरी करते हुए, अभी तक हम लोग शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए हम सिर्फ एक ही मांग को रखे हैं, शासकीयकरण। तो सरकार इन मांगों के संबंध में क्या बोलती है? अब सरकार का जो बोलना है, बात हुई है हमारे पंचायत मंत्री जी से, हमारा डेलीगेशन समिति मिला था, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपका काम 99.5% हो चुका है, 5% आप लोगों की किस्मत के ऊपर है, आप लोग बजट में देख लेना बोले थे। हम लोग जब बजट में देखे तो उसमें सचिव नाम का किसी प्रकार का कोई विषय शामिल नहीं किया गया था, तो हमारे प्रांत से फिर हमें बोला गया कि अब पूरे प्रदेश में हड़ताल किया जाए, क्योंकि हमारी मांगों पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया है। सचिवों का मुख्य काम क्या होता है, क्या क्या काम आप करते हैं पंचायत की? ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में जितने भी काम होते हैं, चाहे वो सेंट्रल के हों, चाहे राज्य सरकार के हों, चाहे अन्य विभाग के हों, सभी काम में सचिव का योगदान रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो काम है पंचायत विभाग का, उसके अलावा भी हम स्वास्थ्य विभाग के काम करते हैं। कोरोना में हमने काम किया, अभी आयुष्मान कार्ड बनाने में हम लोग ने जी जान देकर काम किया, और लक्ष्य को पूर्ति करके रायगढ़ को सबसे आगे भी लिए हैं उस काम में भी। और ये आवास का है, पेंशन का है, राशन कार्ड बनाने का है, राशन दुकान चलाने का है, मनरेगा के काम का है, कि अभी जो सर्वे हो रहा था उस काम में है, सारे कामों में सचिव का योगदान। मार्च एंडिंग हो गया, कार्य योजना बनाया जाना है, पंचायतों का कार्य योजना नहीं बन पा रहा है शायद आप लोगों के हड़ताल के चलते। हाँ, ग्राम सभा के कारण कार्य योजना भी नहीं बन पाया है। दूसरे विभाग के कर्मचारियों को ग्राम सभा के प्रभारी बनाया गया था, लेकिन उनके पास उतना अनुभव नहीं होने के कारण उन्होंने उसको नहीं बना पाया। तो ग्राम पंचायत के काम काज भी ठप होंगे? पूरे ठप है, सभी पंचायतों में ताला लगे हुए हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। तो सरकार पे दबाव क्यों नहीं पड़ रहा है? अब सरकार पे दबाव इसलिए नहीं पड़ रहा होगा कि हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा है सरकार एक्चुअल में। हम भी तो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, हम भी किसान पुत्र हैं, हमको भी तो अधिकार है इस राज्य में। अब उस सरकार को फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसमें क्या बोलोगा? हम लोग कहीं बाहर से तो आए नहीं है, थोड़े से 11,000 कर्मचारी हैं पूरे छत्तीसगढ़ में सचिव। जैसे बातचीत जब शुरू होती है तो ये होता है कि भाई ये नहीं हो सकता, कुछ और कर लो, तो क्या इस तरह के प्रस्ताव? इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, और हम लोग ये कर लो में और जाने वाले हैं नहीं, क्योंकि हम लोग की जो 27-28 साल जो नौकरी कर चुके हैं वो रिटायर होने के कगार पे है। अब सिर्फ एक ही चीज है कि शासकीयकरण, अगर शासकीयकरण हो जाता है तो कम से कम आने वाला जो हमारा पीढ़ी है, जो सचिव शब्द है ग्राम पंचायत सचिव, वो कम से कम शासकीय कर्मचारी कहलाएगा। हम लोग की तो हो गई पूरी नौकरी, खत्म होने वाली है, हम लोग रिटायरमेंट के कगार पे। तो आप लोग ओपीएस वगैरह चाहते हैं? हाँ, अगर शासकीयकरण हो जाएगा और शासन के नियम में अगर आएगा तो ओपीएस का लाभ भी हमें मिलेगा, ग्रेजुएटी भी मिलेगा, छुट्टी भी जो कटा रहता है उसका भी पैसा मिलेगा। अभी फिलहाल ऐसा नहीं, अभी हम लोग को कुछ नहीं है, जिला पंचायत से आवंटन के रूप में हमारा वेतन आता है, अब जिला पंचायत वाले उसको चेक के माध्यम से बैंक में भेजते हैं और तनखा मिलता है, और हम लोग शासकीयकरण हो जाएंगे तो ट्रेजरी से भुगतान होगी, सारी सुविधाएं प्राप्त होना चालू हो जाएगा। अभी कल पंचायती राज दिवस भी था जी, तो उस दिन भी कुछ आप लोगों को उसका उस दिन कुछ घोषणा सरकार कर दे, सरकार प्रशासन? हम लोग को उम्मीद थी कि पंचायती राज दिवस के दिन कम से कम सरकार हमें शासकीयकरण की घोषणा कर देगी बोल के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आप ही लोगों के माध्यम से हमें भी पता चला कि राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारे छत्तीसगढ़ के 2 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान हुआ, तो इसमें तो सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, और बहुत सारी योजनाओं में भी हम लोग की भूमिका रहती है। गोधन न्याय योजना, इसमें सारा मेहनत दिन और रात, चाहे वो किसी भी प्रकार का मेहनत हो, उसको सिर्फ सचिव ही करता है, लेकिन जब पुरस्कार पाने की बारी आती है तो दूसरे विभाग वाले लोग पाते हैं, हमारा तो रोल खत्म हो जाता है पुरस्कार के समय में।
इस रवैये से आप लोगों को तो वो भी हो रही होगी, निराशा भी हो रही है। बहुत निराशा हो रही है और इस प्रकार की निराशा होने से अब क्या करेंगे, मतलब वो पड़ताल अभी चलेगा और प्रांत बॉडी हमेशा मिलने के लिए प्रयासरत है माननीय मुख्यमंत्री जी से, और उनसे जब तक मुलाकात नहीं हो जाती, सकारात्मक पहल नहीं हो जाती, क्रमिक भूख हड़ताल के बाद आमरण अनशन होगा, आमरण अनशन पे भी अगर नहीं मानती है तो फिर हमारे जो प्रांतीय बॉडी है उसके दिशा निर्देश के अनुसार जो भी कदम उठाना होगा हम सभी सचिव उठाने के लिए तैयार। इस दौर में जबकि छत्तीसगढ़ सरकार का पूरी जो फोकस है, पूरा फोकस है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगा हुआ है, इसी के संबंध में उन्होंने कई सारी योजनाएं, गोधन न्याय योजना से लेकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नरवा गुरुवा घुरुवा बाड़ी इस तरह की योजनाएं लाई हैं, और वो उनका जो सरकार है, सरकार का कहना है कि जब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं होगी तब तक राज्य की या देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं हो सकती, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस तरह की जो योजनाएं हैं उसे पहुंचाई जानी चाहिए। ऐसे में जबकि उस उन नीतियों के क्रियान्वयन करने वाली जो मैदानी टीम है वही जब हड़ताल पर बैठी है, तो ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण से लेकर के तमाम चीजें जो है सरकार की आने वाले दिनों में धरी की धरी रह जाने की संभावना है। हालांकि उनके पास कुछ ऑप्शन होंगे, वो उन ऑप्शन का विकल्पों का वो इस्तेमाल करते भी होंगे, लेकिन मेरे समझ से जब तक मैदानी टीम वहां पे ना हो और काम ना करे तब तक ऐसी योजनाओं का कोई महत्व नहीं रह जाता है। सरकार ये 40 दिन तक यहाँ धरने पर बैठे हुए अपनी मांगों को लेकर के, सरकार इनका कहना है कि सरकार इनकी सुन नहीं रही होगी, तो सरकार को इनकी बातों को सुननी चाहिए ताकि जो उनकी नीतियां हैं वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, लागू हो सके। देखते रहिए मुनादी चौपाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, हम उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।